नमस्कार अड्डा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है आ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज यूपीएससी पी सी प्रीवियस ईयर पेपर 2017 का दूसरा भाग हम आ, डिस्कस कर रहे हैं तो देखिए देखते हैं कि पार्ट टू में किस तरह के क्वेश्चन हैं और कैसे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में आ, दो के पेपर में तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं शुरू करने से पहले आप लिंक को शेयर कर दीजिए क्योंकि जितना आप लिंक शेयर करेंगे उतना हमको इंगेज बढ़ेगी और हमें अच्छा लगेगा चलिए शुरू करते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन क्या है ये हम देखते हैं पहला क्वेश्चन ये है कि किसी पाठशाला में पांच शिक्षक ए बी सी डी ई ए और बी हिंदी तथा अंग्रेजी पढ़ाते हैं सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ाते हैं सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाता है देखिए जैसे वो हमसे बोल रहे हैं उसी तरह से करते चले जाएंगे चलिए देखते हैं जरा कि ए और बी हिंदी तो प्लस अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो ए प्लस बी वो पढ़ा रहे हैं हिंदी ए और बी पढ़ा रहे हैं हिंदी और हिंदी के साथ पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी हिंदी और अंग्रेजी ठीक है ए और बी सी और बी सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं सी और बी अंग्रेजी और अंग्रेजी के साथ पढ़ा रहे हैं भूगोल भूगोल में तो होता है ज्योग्राफी है ना भूगोल पढ़ा रहे हैं सी और बी डी और ए डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं डी और ए गणित पढ़ा रहे हैं और गणित के साथ हिंदी पढ़ा रहे हैं गणित और गणित के साथ हिंदी जबकि ई और बी ई e और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ाते हैं गणित ई e और बी इतिहास पढ़ा रहे हैं और इतिहास के साथ फ्रेंच पढ़ा रहे हैं ठीक है तो कह रहा है सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाता है तो देखिए जरा यहाँ पर थोड़ा गौर करें तो ए को अगर देखा जाए तो ए दो बार आया है ए दो बार आया है यानी ए की एंगेजमेंट है दो बार ठीक सब्जेक्ट में अगर हम बात करते हैं सी की तो सी एक बार है सी एक बार है माफ करिए जो डी है डी की इंगेजमेंट भी एक बार है लेकिन ई है ई भी एक बार है लेकिन बी की अगर हम बात करें तो एक दो तीन बी कितनी बार आया तीन बार यानी सबसे अधिक विषय कौन ले रहा है बी ले रहा है बी यानी बी बी तीन बार है यानी सबसे अधिक विषय कौन पढ़ा रहा है बी पढ़ा रहा है क्योंकि बी अंग्रेजी भी पढ़ा रहा है बी भूगोल भी पढ़ा रहा है और बी इतिहास और फ्रेंच भी पढ़ा रहा है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है अगला क्वेश्चन दी गई सूचना पर आ, आ, विचार कीजिए और उनके नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए आठ रेलवे स्टेशन ए बी सी डी ई e, एफ और जी और एच या तो दो तरफा मार्गों या एक तरफ़ मार्गों से जुड़े हैं एक तरफा मार्ग सी से ए तक ई e से जी तक बी से एफ तक डी से एस तक जी से सी तक ई e से सी तक और एच से जी तक है दो तरफ़ा मार्ग जो हैं वो ई e, ए से ई e तक हैं के बीच हैं जी से बी के बीच हैं एफ और डी के बीच हैं तथा तो ई e और डी के बीच हैं ठीक तो पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे थोड़ा रीजनिंग का ये पजल क्वेश्चन है रीजनिंग का पजल क्वेश्चन है क्या है कि आठ रेलवे स्टेशन है रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं ए बी सी डी ई और एफ ए बी सी डी ई और एफ जी और एच <coughs> दो तरफा मार्ग या एक तरफा मार्ग से जुड़े हैं, एक तरफा मार्ग कौन से सी से ए तक देखते हैं जरा सा सी से ए तक देखिए सी से ए तक एक तरफा मार्ग है यानी केवल सी से ए तक जा सकते हैं सी से ए तक जा सकते हैं ठीक उसके बाद क्या कह रहा है ई से जी तक हैं ई से जी तक है यानी e ई से जी तक केवल जाया जा सकता वापस नहीं आया जा सकता है बी से एफ तक हैं यानी बी से एफ तक डी से एच एच तक हैं यानी डी से एच तक जाया जा सकता है आया नहीं जा सकता और जी से सी तक है केवल जाया जा सकता है और आया नहीं जा सकता ई से सी तक है ई से सी तक जाया जा सकता है आया नहीं जा सकता एच से जी तक हैं एच से जी तक हैं यानी एच से जी तक जाया जा सकता है और आया नहीं जा सकता एक, E ई से सी तक और एच से जी तक हैं केवल जाया जा सकता है और आया नहीं जा सकता अब दो तरफा मार्ग की हम बात करें दो तरफा मार्ग की बात करें तो यहाँ पर दो तरफा मार्ग e तो क्या, क्या है ए और ई के बीच हैं तो देखिए जरा सा यहाँ पर क्या कह रहा है हमसे हमसे कह रहा है कि C से A तक एक तरफा मार्ग है C से A तक एक तरफा मार्ग है तो हम C से A तक एक तरफा मार्ग बना लेते हैं सी से ए तक एक तरफा मार्ग था वो बन गया ठीक है ई e से जी तक ई e से जी तक यानी ये वाला तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया अब ई e से जी तक है ई e से जी तक है उसके बाद हमसे क्या बोल रहा था ई e से जी तक के बाद यहाँ से बोला है जी से सी तक एक तरफा मार्ग है यानी जी से सी तक एक तरफा मार्ग बना है यानी जी से सी तक सिर्फ जाया जा सकता है आया नहीं जा सकता पहले पूरा डायग्राम बना लेते हैं उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है अब उसके बाद बोल रहा है एच से जी तक एक तरफा मार्ग है यानी एच से जी तक ये वाला पॉइंट उठा लेते हैं अभी ये उठाया था और ये खत्म हो गया यानी एच से जी तक एक तरफा मार्ग है तो एच से जी तक एक तरफा मार्ग हो गया अब हम देख रहे हैं क्या बोल रहा है डी से अब ये उठाते हैं डी से एच तक एक तरफा मार्ग है यानी डी से एच तक एक तरफा मार्ग है यानी डी से एच तक केवल जाया जा सकता है वापस नहीं आ सकता आया जा सकता फिर एच से जी तक जाया जा सकता है वापस नहीं आ सकते हैं फिर जी से सी तक जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते हैं जी से सी तक जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते और सी से ए तक जाते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते ठीक अब दो तरफा मार्ग वाली बात आ रही है दो तरफा मार्ग दो तरफा मार्ग की अगर हम बात करें तो ए से ई के बीच दो तरफा मार्ग है ए से ई के बीच दो तरफा अगर हम बात करें तो यहाँ ई की एक बात और हुई है कि देखिए दो तरफ़ा मार्ग ई e और डी के बीच हैं कहाँ पे ई e और डी के बीच यानी ई e को हम बीच में कहीं पर पुट कर सकते हैं ई e को हम बीच में कहीं भी रख सकते हैं बीच में कहा यहाँ पर कहीं रख सकते हैं क्योंकि हमसे कह रहा है कि जो दो तरफ़ा मार्ग है वो हमारे ए और ई e के बीच है देखिए तो ए से ई e तक जा भी सकते हैं और वहाँ से हम वापस आ भी सकते हैं ठीक और फिर क्या कह रहा है डी तथा ई के बीच बने हैं डी के बीच ई और डी के बीच बने हैं ई और डी के बीच यानी डी तो ये है हमारा तो डी से ई तक हम जा भी सकते हैं और डी से ई तक आ भी सकते हैं ये दो तरफा मार्ग हो गया हमारा फिर उसके बाद बना है हमारा अगर हम बात करें तो कह रहा है कि एफ़ और डी के बीच बने हैं तो एफ़ को हम कहीं भी पुट कर लेते हैं एफ़ क्योंकि एफ़ का एंगेजमेंट कहीं से नहीं है बी से है केवल तो एफ़ से डी तक आया जा सकता है एफ़ से डी तक आया जा सकता है और एफ़ से डी तक जाया भी जा सकता है यहाँ पर दो तरफ़ा मार्ग है उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है एफ़ uh, और डी वाले भी हो गए कि जी और बी के बीच किसके जी और बी के बीच तो जी और बी ए बी पॉइंट ले लेते ले हैं जी और बी के बीच भी दो तरफ़ा मार्ग है यानी जा भी सकते हैं और जी से बी तक वापस भी आ सकते हैं उसके बाद क्या है एफ़ और बी एफ और बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एफ और बी के बारे में हमें दिया है कि एफ़ और बी में सिर्फ एक तरफा मार्ग है यानी बी से एफ तक सिर्फ जाया जा सकता है वापस नहीं आ जा आया जा, जा सकता देखिए दी गई जानकारी के अनुसार हमने क्या किया है कि इस तरह से डायग्राम को बनाया है अब डायग्राम के ऊपर विचार करके इन प्रश्नों के उत्तर हम देंगे तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है पहला प्रश्न ये है कि सी से एच तक यात्रा करते समय किस स्टेशन से गुजरना ही होगा सी से एच तक जब हम यात्रा करेंगे तो किस स्टेशन से गुजरना ही होगा देखिए सी से एस तक यात्रा करने पे किस स्टेशन से गुजरना होगा पहले हम अपना इंक थोड़ी चेंज करते हैं ताकि हमको समझ में आए सी से एस तक जाने के लिए कौन से स्टेशन से गुजरना पड़ेगा देखिए हम सी से पहले ए पे जाएंगे सी से पहले कहाँ जाएंगे ए पे जाएंगे जब सी से ए पर जाएंगे ए से फिर ई e पर जाएंगे ए से डी पर जाएंगे डी से एस पर जाएंगे एच से जी पर जाएंगे देखिए सी से हमें हमें अगर प्रश्न देखें तो सी से हमें कहाँ तक जाना है एच तक जाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सी से पहले हम जाएंगे देखिए एक तरफा मार है तो सी से हम जाएंगे पहले ए पे ए से हम जाएंगे कहाँ पर ए से हम जाएंगे ई e पे ई e से कहाँ जाएंगे ई e से हम जाएंगे ई e से हम जाएंगे डी पे और डी से फिर कहाँ जाएंगे एच पे जाएंगे अब हम देखें कौन से स्टेशन से हमें गुजरना पड़ रहा है जी ई बी और एफ जी ई बी और एफ जी ई बी और एफ हमें जी से नहीं गुजरना पड़ रहा जी बी से नहीं गुजरना पड़ रहा ई e से गुज़रना और एफ़ से नहीं यानी ई e से गुज़रना पड़ रहा है यानी ई e से यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया ई e, यानी ई e से हमें गुजरना पड़ रहा है ई e से हमें गुजरना पड़ रहा है क्यों बनना है क्योंकि हमें सी से एस तक यात्रा करनी है तो देखिए जरा हम सी से हम एक तरफा मार्ग से ए की तरफ जाएंगे ए से हम जाएंगे ई e की तरफ ई e से हम जाएंगे डी की तरफ डी की तरफ और डी से फिर एक तरफा मार्ग से जाएंगे एच की तरफ यानी ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ये हमारा डेस्टिनेशन है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कोई रेलगाड़ी डी से ए तक किसी स्टेशन को बिना एक से अधिक बार पार किए कितने विभिन्न प्रकार से जा सकती है तो आप समझिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा जैसा कि हमें आ, थोड़ा सा याद आ रहा है कि डी था डी से हम जा रहे थे एच में एक तरफा मार्ग से फिर जा रहे थे जी में जी से जा रहे थे सी में सी से जा रहे थे ए में और यहाँ था हमारा एक तरफा मार्ग ई था क्योंकि ई से अब हम देख रहे हैं कि ई से दो तरफा मार्ग बना हुआ था हमारा ई e से सी तक तो हम सिंगल वे में जा रहे थे ई e से जी तक भी सिंगल वे में जा रहे थे लेकिन ई e से ए तक हमारा दो तरफा मार्ग बना हुआ था और डी तक भी हमारा दो तरफा मार्ग बना हुआ था यहाँ पर और यहाँ F था और F में हम F में हम D से दो तरफा मार्ग की तरफ आ जा रहे थे और B जो था B हम B से F तक केवल एक तरफा मार्ग से जाते हैं जबकि B से G तक दो तरफा मार्ग है हमारा तो देखते हैं जरा कोई रेलगाड़ी D से जा रही है A तक किसी स्टेशन तो आ, 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 कितने तरीकों से वो जा सकती है कितने दिनों डी से एफ तक तो देखिए एक तो इस रास्ते चली जाएगी ये ये डी से ए तक जा रही है तो पहला रास्ता तो ये हो गया क्लियर हो गया एक रास्ता तो क्लियर हो गया दूसरे रास्ते की अगर हम बात करें डी से ए तक जाना है तो देखें यहाँ से तो डी से एफ तक तो जाएगी लेकिन एक तरफा मार गया तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आई यानी ई तक ई से सी तक आई और सी से फिर ए तक यानी दो मार्ग हो गए कितने एक से अधिक बार नहीं पार करना पड़ रहा है उसको केवल आ? अच्छा ये हो गया सिंगल वे में यानी एक एक स्टेशन एक बार पड़ रहा दो हो गया स्टेशन अब देखिए फिर डी से आई ई e तक तीसरा मार्ग और फिर यहां से आई जी तक और जी से फिर सी तक और सी से ए तक यानी तीसरा मार्ग हो गया अगर हम चौथे मार्ग की अगर हम बात करें तो चौथा मार्ग हमारा आ, तो शायद नहीं है क्योंकि हम डी से एफ तक तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि एफ तक आ, और फिर एफ से बी तक हमारा अपोजिट वे हो जाएगा और वहाँ पर जाने के लिए नहीं वन वे है इधर तो हम देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं क्योंकि एक से अधिक बार हमारा तो जाना होगा नहीं तो देखिए एक रास्ता तो ये हो गया पूरा डी एच जी सी और ए को क्रॉस करते हुए एक रास्ता यहाँ जी से हो गया एक रास्ता सी से हो गया अब देखिए डी से हम सीधे आ जाते हैं कहां पर ई e से और ई e से हम डायरेक्ट जा सकते हैं ए पर यानी चार रास्ते हो गए यानी कितने प्रकार से जा सकते हैं हम चार प्रकार से जा सकते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है जी और सी के बीच मार्ग बंद कर दिया जाए तो एच से सी तक यात्रा करना है तो देखिए जरा एच से सी तक यात्रा करना है हमारा मार्ग जो था ये डी था डी के बाद एच था एच के बाद जी था जी के बाद सी था और सी के बाद ए था ये था तो कह रहा है यदि जी और सी के बीच मार्ग बंद कर दिया जाए मार्ग बंद हो गया तो हमें एच से सी तक जाना है कहां जाना है एच से सी तक यात्रा करनी है तो निम्नलिखित में से किस स्टेशन से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी तो देखिए जरा किस स्टेशन से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी देखिए यहां पर एफ था और यहां पर दो तरफा मार्ग है हमारा और इसके बाद यहां बी है क्योंकि बी से तो एक तरफा मार्ग था यहाँ पर दो तरफा मार्ग है यहाँ पर ई e है ई e से हमारा वन वे है ई e से सी तक वन वे है और ई e से ए तक हमारा दो तरफा मार्ग बना हुआ है और डी तक ई e से भी दो तरफा मार्ग तो कह रहा कि स्टेशन भी गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी तो देखते हैं जरा ई e से डी से अगर हम मार्ग बंद कर दिया जाए और हम जा रहे हैं कहाँ से एच से जा रहे हैं आ, जी से तो एच से सी तक यात्रा करनी हो एच से सी तक यात्रा करनी हो तो कहाँ कहाँ से जाएंगे तो देखिए एच से सी तक यात्रा करनी हो तो हम कैसे जाएंगे देखिए एच से सी तक यात्रा तो एच से हम जाएंगे पहले जी पे जी से जाएंगे हम बी पे बी से जाएंगे हम एफ पे सिंगल वे है और एफ से दो तरफा मार्ग यानी डी पे डी से भी जाएंगे ई e पे ई e से आएंगे डायरेक्ट सी पे यानी हमें किसके पास नहीं जाना पड़ेगा ए के पास नहीं जाना पड़ेगा यानी ए स्टेशन हमारे बीच में नहीं पड़ेगा ठीक है चलिए ये हो गया अगला पढ़ते हैं बावन विद्यार्थियों की एक कक्षा है इसमें पंद्रह विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए बावन विद्यार्थियों की कक्षा में पंद्रह विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो चुके हैं बावन विद्यार्थियों की कक्षा में पंद्रह विद्यार्थी अनुत्तीर्ण गए यानी बावन विद्यार्थी थे टोटल और बावन में से पंद्रह विद्यार्थी अनुतीर्ण हो गए यानी पास कितने हुए हैं पास हुए हैं सैंतीस लेकिन कह रहा है कि अनुतीर्ण विद्यार्थियों के नाम हटा देने के बाद क्रम की सूची बनाएगी जिसमें रमेश का स्थान ऊपर से बाईसवां अच्छा रमेश का स्थान ऊपर से बाईसवां है रमेश का स्थान ऊपर से बाईसवां है अब सोचिए सैंतीस विद्यार्थी रमेश का स्थान ऊपर से बाईसवां है ऊपर से बाईसवां नीचे से उसका स्थान क्या ऊपर से बाईसवां है आप सोचिए ऊपर से बाईसवां स्थान है तो बाईस के बाद कितने विद्यार्थी बचे हैं तीस तक आने में आठ विद्यार्थी बचे और सैंतीस तक जाने में कितने बचेंगे सात यानी टोटल कितने हो गए पंद्रह और जिस स्थान पर वो है वो भी

एक बार बज रही है दो बजे दो बार बजेगी दो बजे दो बार बजेगी इसका मतलब पाँच बजे पाँच बार बजेगी पाँच बजे पाँच बजे, बार बजेगी पाँच बार और पाँच बार बजने में पाँच बार पाँच बार बजने में समय बारह सेकंड का लग रहा है यानी पाँच बार बजती है तो बारह सेकंड का समय लगता है बारह सेकंड तक पाँच बार बजती रहती है तो एक बार बजने में कितना समय लगेगा एक बार बजने में समय कितना लगेगा बारह बटे पाँच सेकेंड तो कह रहा है दस बजे बजने में कितना समय लगेगा तो भाई पाँच बजे पाँच बार बजती है तो इसका मतलब दस बजे दस बार बजेगी और जब दस बार बजेगी तो दस बजे तो दस बजे दस बार बजेगी तो दस बार बजने में कितना समय लगेगा बारह बटे पाँच भाई एक बार बजने में बारह बजे पाँच सेकेंड बटे पाँच सेकेंड तो दस बार बजने में बारह बटे पाँच इंटू दस यानी फाइव टू ज़ा टेन ट्वेल्व टू जै ट्वेंटी फोर चौबीस सेकंड का समय लगेगा यानी चौबीस सेकेंड ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है समझते हैं? यदि प्रश्नों की कोई पुस्तक की प्रश्नों की संख्या एक से पचास तक अंक अंकित करनी है तो पुस्तक में मुद्रित अंकों की संख्या क्या होगी ठीक है कह रहा है एक पुस्तक में एक से एक सौ पचास तक प्रश्नों पुस्तक के प्रश्न हैं उसमें अंकों की संख्या कुल क्या होगी चलिए समझते हैं पहले थोड़ा सा देखिए जैसे एक पेज पर एक लिखा है दूसरे पे दो लिखा है तीन लिखा है चार लिखा है पाँच लिखा है छः लिखा है सात लिखा है आठ लिखा है नौ लिखा है दस लिखा है ग्यारह हो गया बारह हो गया तेरह हो गया चौदह हो गया पंद्रह कह रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है हमें तो ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस ऐसे कह रहा कि टोटल जब हम डेढ़ सौ तक पेज नंबर लिख लेंगे तो कितनी डिजिट्स हो जाएंगी टोटल तो देखिए एक नॉर्मल सी चीज हम पढ़ते हैं सबसे पहले देखिए हमें पता होनी चाहिए कि गणित में आ, दो अंकों की दो अंकों की दो अंकों की जो संख्या होती है दो अंकों की आ, संख्याओं की संख्या होगी वो नब्बे होती है दो अंकों की संख्याओं की संख्या क्या होगी नब्बे होगी नब्बे क्यों होगी तो आप सोचिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस उसके बाद ग्यारह उसके बाद इक्कीस फिर इकतीस इकतालीस इक्यावन इकसठ इकहत्तर इक्यासी इक्यानवे बानवे तिरानवे चौरानवे नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव देन uh, नाइन्टी सिक्स uh, नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन देन हंड्रेड uh, आप सोचिए सौ पूरी हो गई इसमें से एक अंक वाली तो ये हो गई ये पूरी कितनी है ये एक अंक वाली है ये और एक ये तीन अंक वाली है यानी सौ में से दस तो निकल गई कितनी बची नब्बे तो दो अंक वाली कितनी होंगी नब्बे आप क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन क्या था यदि एक सौ पचास प्रश्नों की एक पुस्तक में एक से एक सौ पचास तक अंख्या अंकित करनी है तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी तो देखिए एक अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी एक अंक वाली एक अंक वाली कुल संख्या क्या है मुद्रित अंकों की संख्या तो पूछ रहा है तो एक अंक वाली नौ ही तो होंगी एक से नौ तक और सब में एक अंक होगा यानी कितने अंक हो गए नौ अंक दो अंक वाली कितनी होंगी दो अंक वाली होंगी दो अंक वाली होंगी नब्बे और एक संख्या में दो अंक तो दो नब्बे संख्याओं में एक सौ अस्सी अंक ठीक है अब आती हैं तीन अंक वाली क्योंकि सौ से तीन अंक वाली शुरू हो जाती हैं तीन अंक वाली शुरू हो जाती हैं तो तीन अंक वाली कितनी होंगी देखिए अगर हम देखें तो 101 से लेकर 150 तक टोटल संख्याएं कितनी हो गई 50 ठीक और एक सौ भी तो था जिसको हम छोड़ कर आए थे इस ये हो गया एक यानी टोटल कितनी संख्याएं होगी तीन अंक वाली इक्यावन कितनी हो गई इक्यावन और हर संख्या में तीन अंक होगा तो कितना हो गया यहाँ पर थ्री वन जै थ्री थ्री फाइव जै फिफ्टीन फिफ्टी देखते हैं जोड़ते हैं जरा नौ तीन बारह एक कैरी किया आठ पाँच तेरह और चौदह एक दो एक तीन यानी तीन सौ बयालीस उत्तर हमारा कितना आ गया थ्री हंड्रेड फोर्टी टू हमारा उत्तर आ गया यही हमारे प्रश्न का उत्तर है ठीक है तो देखिए ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था जिसमें हमें हमने सीखा कि आ, आ, जो हमें किस तरह से आ, प्रश्न पूछ रहा था कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करनी थी और यहाँ पर जो हमारी संख्याएं ठीक है लिए पर